Hi guys, good afternoon. This is Pawan Kumar and you are watching Unnati Mobile Classroom YouTube channel. Friends, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube channel में. इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से और 40 तक. क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा जैसा कि आप निरंतर पूछ रहे हैं. देखिए दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि NVS का एग्जाम जो है अब शायद डेट आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, बट अब आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो होगा वो 5 सितंबर से ही होगा. वो जो एग्जाम है दोस्तों आपका 5 सितंबर से होगा, तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए. अगर इस 1 से 5 तक के बीच में कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो हम उसकी अपडेट आपको सबसे पहले देंगे. उसके लिए आपको हमारे साथ में बना रहना होगा. तो ज्यादा बातें ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं. In which famous poem does Walt Whitman make a reference to Sioux, Skinner and Wireline across the Atlantic? My dear friends, आज मैं आपको हिंदी नहीं बताऊंगा, आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चंस को समझना है. कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में समझिए और जिससे समय की बचत होगी. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21 वंस अगेन. इन विच फेमस पोएम डज वॉल्ट व्हिटमैन मेक ए रेफरेंस टू स्यूज कैनल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक. तो योर ऑप्शन आर एस ओ कैप्टन माई कैप्टन ए पैसेज टू इंडिया अर्ली अर्थ और माई लाइकनेस और प्रेयर्स टू कोलंबस. सो फ्रेंड्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, आई थिंक यू हैव चूज योर ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा और अपने अपना आंसर जो है जज कर लिया होगा अभी तक. तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा. क्वेश्चन नंबर 20 होगा. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लव विद एनिमल्स. दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ ए पोएम. हु इज द पोएट? आई थिंक आई कुड टर्न एंड लव विद एनिमल्स. दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम. हु इज द पोएट? सो फ्रेंड्स, पोएट विल बी ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट व्हिटमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. Name the poet who was influenced by Jacksonian democracy and Locofoco movements. Which poet? Edgar Allan Poe, William Cullen Bryant, Robert Frost or Walt Whitman? So, option number D sahi hoga, Walt Whitman. He was the poet of American optimism and pragmatism, the rhapsodist of our material and spiritual resource, the unabashed celebrant of the self at home in an open dynamic universe. Who was he? So answer will be option number A, Walt Whitman. Friends, यहाँ आप आसानी से अपने उत्तर को जज कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये Walt Whitman से related video है. तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, पहचानिए और जिससे आपको आगामी जो एग्जाम्स है उसमें प्रॉब्लम ना हो. क्वेश्चन नंबर 25, कंप्लीट द फॉलोइंग्स. आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज ए. तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सी. आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज ए पैट्रियोटिक लिरिक. द इमेज ऑफ जाइगेंटिक ब्यूटी ऑफ स्टैलियन इज फाउंड इन. So friends, that is found in animals. Which one of these is not a poem by Walt Whitman? So friends, two option आपके सामने है. Option number 2 ही आपका right हो जाएगा, descent likeness, and rest two option are as. Question number 28 होगा. Who among these is called a homespun philosopher? क्वेश्चन नंबर 28, ए अर्नोल्ड, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी राजा राव, डी वॉल्ट व्हिटमैन. सो गाइस, आपका ऑप्शन होगा वॉल्ट व्हिटमैन. व्हिटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेंस. Nine sections, 11 sections, 13 sections, none of these. Option होगा 9 sections. From which poem of Whitman are the following lines taken? O powerful western fallen star, O shades of night, O moody tearful night. That lines have been taken from
When lilac last in the dooryard bloomed. Song of Myself is a poem by. Song of Myself is a poem by. Option number C will be right. Walt Whitman. Question number 32. Which of the following poet was of opinion the earth like trees and shrubs had a natural growth? तो फ्रेंड्स ऑप्शन होगा आपका किस पॉइंट की यहां पर बात कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, विटमैन के विषय में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा, देखिए आई एम द पॉइंट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पॉइंट ऑफ द सोल, हु सेड, ये किसने कहा था कि I am the poet of body and I am the poet of soul. So that is said by, you can easily just option number D. Drum Taps is a collection of war poems by. Drum Taps जो है collection of poems का. तो who is the writer of Drum Taps? Option number D. Walt Whitman will be right option. 35. The sequel of Drum Taps was published in Drum Taps. जो steps है, the sequel कब published हुआ था? 1865. Option number A सही होगा. The suitable जो subtitle होगा sequel to Drum Taps is तो When Lilac Last in the Dooryard Bloomed and Other Poems जो है इसका subtitle होगा। I accept reality and dare not. I accept reality and dare not question it. Materialism first and last. Impugning who said it? This is said by Walt Whitman. Next question, I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume. For every atom belonging to me as good belongs to you. The above lines are taken from. So these lines are taken from. Option number aapka sahi ho jayega. A. Song of Myself. Question number 239 hoga. The female equality, the female equally with the male I sing of life immense in passion, pulse and power cheerful for forest action formed under the laws divine. The modern man I sing, the above lines are from. Guys, these lines are from Once self I sing. And today's last question hoga dosto. Adam and Eve appear, then their myriad progeny after them, wandering, yearning, curious with restless explorations. The above lines are from. To ye line kahan se li gayi hai friends? To your answer C, passage to India will be right. माई डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी का निशान को भी दबा लीजिए। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।